नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज सैनिक स्कूल रीवा ने सहज योग की संस्थापक निर्मला देवी के सानिध्य में सहज योग ध्यान एवं कुंडलिनी जागरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें सैनिक स्कूल के स्टाफ एवं लगभग 450 बच्चों के साथ सहभागिता प्रदान की। सहज योग रीवा के कोऑर्डिनेटर प्रवीण नागेश के मार्गदर्शन में मंजुबा खड़े ने ध्यान सत्र का संचालन किया। सहज योग परिवार की ओर से प्रसून मिश्रा, संगीता श्रीवास्तव, जयश्री पांडे समेत अन्य शामिल रहे। आपको बता दें कि शालिनी सूद ने बच्चों का सहज योग से परिचय कराया एवं ध्यान कराया। कार्यक्रम के आयोजन में भूपेंद्र मिश्रा पीजीटी सैनिक स्कूल का सराहनीय योगदान रहा। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेटर प्रवीण नागेश ने निर्मला देवी का जीवन परिचय दिया, मनुष्य के नाड़ी तंत्र एवं कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया। फिर मंजुबा खड़े ने सहज योग ध्यान की इस विधि से होने वाले लाभ, जैसे मानसिक शांति, एकाग्रता, निडरता, व्यक्तित्व का विकास, विश्व शांति पर चर्चा की। अंत में प्रवीण नागेश ने सैनिक स्कूल परिवार का आभार प्रदर्शन किया एवं इस आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आज रीवा में कौटिल्य एकेडमी के द्वारा करियर दिशा नाम से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 12th पास बच्चों को उनके कैरियर को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। इस सेमिनार में कौटिल्य एकेडमी के संस्थापक सिद्धार्थ जोशी, मध्य प्रदेश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार में कौटिल्य एकेडमी के संस्थापक ने बच्चों को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और पढ़ने के लिए दिशा निर्देश बताए। अपने मन के कैरियर को किस तरह से चुनना है और उसे कैसे सफल बनाना है, इसके लिए भी उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में युवती को मंदिर ले जाकर युवक ने पहले तो उसकी मांग भरी और फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसकी असमत लूटता रहा। आपको बता दें कि युवती भी उसके झांसे में आकर उसके साथ जीवन व्यतीत करने के सपने देखती रही, लेकिन युवक ने अपनी हवस मिटाने के बाद उससे दूरियां बनाने शुरू कर दी। युवती को जब उनके बारे में पता चला, उसके असलियत के बारे में पता चला, उसके धोखे के बारे में पता चला, तो युवती ने तुरंत महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवती के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सिमरिया की रहने वाली 21 वर्षीय युवती है। इसके साथ एक ग्राम भटवा का रहने वाला युवक है, जो 3 साल पहले इसके साथ जान पहचान करके और इससे शादी का झांसा देकर इसको गसावन मामा लेकर गया था। वहाँ इसकी मांग में सिंदूर डाला और उसके बाद उसके ही परिजन उनके घर जाकर सुनसान घर में इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद लगातार लड़की से अलग अलग जगहों पर ले जाकर शादी करने का झांसा देकर इसके साथ दुष्कृत किया, जिस पर कल दिनांक को लड़की ने रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। रीवा के अमरदीप मैरिज गार्डन में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस में स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में के पदाधिकारी साजन रमेश पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कारगिल में रीवा जिले के 38 वीर सपूत शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिजनों को सम्मान किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे। वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के साथ कार्यक्रम के कई आला अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 23वां कारगिल विजय दिवस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा इकाई द्वारा ये गौरवान्वित रूप से मनाया जा रहा है। हमेशा हम लोग अखिल भारतीय स्तर से 3 प्रोग्राम हम लोग मनाते हैं, जिनमें से 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई को कतिपय कारणों से हम लोग यहाँ रीवा में नहीं कर सके, इसलिए आज 31 जुलाई को इस रीवा जिले में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे रीवा जिले के वीर सपूतों और शहीदों के बलिदानियों का, जिसपे कारगिल में हमारे 3 शहीद हुए थे, इसके अलावा हमारे जिले में 38 शहीद हैं,
जो अन्य 1962 1965 1971 और अन्य जो जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न सेक्टर में जो हमारी एक्सीजेंसी है उनमें सब में हमारी जो शहीद हुए और सर्वोच्च बलिदान दिए उनके वीर माता पिता और उनकी वीर नारियों का आज ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सम्मान कर रहा है। मुख्य अतिथि में भी हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री गिरीश गौतम जी हैं और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और साथ ही जिला के अध्यक्ष मेजर आनंद सिंह जी हैं और विशेष अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के संरक्षक एवं पूर्व विधायक मऊगंज माननीय श्री लक्ष्मण तिवारी जी हैं और राष्ट्रीय मंत्री के रूप में मैं स्वयं सार्जेंट रमेश पांडे हूं और मध्य प्रदेश का प्रभारी और साथ ही महाकौशल प्रांत का महामंत्री दायित्व है। साथ ही अपने रीवा जिले के पूर्व सीएचएस प्रभारी कर्नल शिवानंद मिश्र जी और जो प्रदेश के हमारे मंत्री हैं और साथ ही महाकौशल प्रांत के उपाध्यक्ष और सीधी जिले के अध्यक्ष अपने कैप्टन धीरेश कुमार सिंह जी हैं और इसके अलावा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महाकौशल प्रांत के कोषाध्यक्ष और रीवा जिले के महामंत्री कैप्टन बीजी शर्मा जी हैं और ये हमारे विशेष अतिथि रूप में काम कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान भी किया, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हमारे बंधु पूर्व सैनिक उनकी वीर उनके परिवार और उनके बच्चे जो हमारे सरपंच जीत करके आए हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत के आए हैं और यहाँ तक है कि वार्ड नंबर 16 से हमारे पार्षद कैप्टन जो हमारे जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं एसआर नापी जी, उनका सबका आज सम्मान हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उनका सम्मान के साथ हम लोग उनके आगे बढ़ने के लिए उनकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं इस कार्यक्रम के बहाने कि और आगे बढ़ें। अभी हम लोग देश की सेवा कर रहे थे, अब इस समाज और इस के बीच में आकर के हम लोग काम करने के लिए। नाम और पद बताएं। मैं सार्जेंट रमेश पांडे हूँ, राष्ट्रीय सचिव का दायित्व है और महाकौशल प्रांत का महामंत्री का दायित्व। आज राष्ट्रव्यापी आह्वान मुताबिक रतहरा बाईपास में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रतहरा बाईपास में हाईवे जाम कर आंदोलन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2 घंटे हाईवे को जाम किया, जिसके बाद पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान किसान नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। हाईवे जाम करने के दौरान किसान नेताओं ने यात्रियों को पानी पिलाया तथा उनसे समर्थन मांगा। वहीं जाम के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई। हाईवे जाम कर आंदोलन में किसान नेता शेखर पटेल का विशेष सहयोग रहा। आपको बता दें कि संयोजक शिव सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक निरंतर संभाग भर में जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बोली आज संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय काल मुताबिक एमएसपी की गारंटी एवं अग्निपथ योजना तमाम लखीमपुर खीरी मामले के विरोध में राष्ट्रीय काल मुताबिक रीवा में संयुक्त किसान मोर्चे ने हाईवे जाम का आयोजन किया। हाईवे जाम के दौरान तमाम किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया, आक्रोश व्यक्त किया और तमाम काफ़ी देर सका जाम के बाद पुलिस प्रशासन ने सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई किया। तो इस तरह से कार्यक्रम रहे। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार अपने जो वादा किया था 9 दिसंबर 2021 को उन वादों को पूरा करें, अन्यथा लगातार किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ करेगा। रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सबरत ने डीआर जबलपुर को अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे को मांग पत्र सौंपा, जिसमें रीवा से उदयपुर के लिए रेलवे शुरू करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया गया और उन्होंने कहा कि इसे निरंतर रखा जाए। विंध्य क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए आने जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह रेलगाड़ी आज से ही इसे नियमित कर दिया जाए ताकि बच्चों को सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि रीवा से चिरमिरी बरसों से बंद है, रेलगाड़ी को तत्काल चालू किया जाए। रीवा से सिंगरौली रेल लाइन से विस्थापित किसान परिवार के सभी बच्चों को रोजगार दिया जाए जिन्हें आज तक रोजगार नहीं मिला, जो छूट गए उन्हें भी रोजगार दिलाया जाए। टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाया जाए एवं रिजर्वेशन काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। इस पत्र में उन्होंने इन मांगों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।